कुछ ही घंटे बाद जब प्रभु राम की नगरी 21 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम करेगी। भगवान राम की नगरी इन दिनों त्रेता युग की तरह नजर आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे जिस तरह लंका विजय प्राप्त कर प्रभु राम अयोध्या पहुंचे थे, ठीक उसी तरह अयोध्या में सातवां दीपोत्सव भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाली। रामचरित मानस की यह चौपाई इन दिनों प्रभु राम की नगरी अयोध्या में साकार होती दिख रही है। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभु राम की नगरी जगमग कर रही है। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं 24 लाख दीपक राम की पैड़ी के 51 घाटों पर जला दिए गए हैं। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा तो एक और नजारा एक बार फिर अयोध्या विश्व के मानचित्र पर नजर आएगी। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभु राम की नगरी गुलजार है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे राम की पैड़ी इन दिनों त्रेता की तरह नजारा साफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, कुछ इसी तरह नजारा इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु और पर्यटक भी यहाँ आके अपने मोबाइल कैमरे में एक सेल्फी कैद जरूर कर रहे हैं। जिस तरह आप तस्वीर देख सकते हैं, हालांकि ये कल यहाँ पे सिर्फ अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर रहेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद दूर दराज के आने वाले श्रद्धालु प्रभु राम की गाथा का वर्णन इस लेजर शो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये लेजर शो आगामी 5 वर्षों तक चलेगा। भगवान राम की गाथा इस लेजर शो में दिखाई जाएगी और एक बार फिर अयोध्या विश्व के मानचित्र पर कल स्थापित होगी, जब 21 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के 24,000 वॉलंटियर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।